इमरान खान पूरे पाकिस्तान इलेक्शन कला ही लड़े, असि तो कहेंगे इमरान खान वर्गा बंदा ही कोई नहीं। खान साहब ग्रेट आदमी है, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। भाईजान सूरत हाल ये पूरा पाकिस्तान के पीके इमरान खान के साथ खड़ा है और हम सब इमरान खान के साथ खड़ा है इंशाल्लाह। हारे हुए हैं ये इलेक्शन में, ये हारे हुए हैं, बस एक ही बात है। अभी 2100 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई है, इतनी महंगाई हो गई, अब कहाँ जाएं भाई। खुदा की कसम करके कह रहा हूँ, दिन में लंगरों में रोटी खाते हैं, रात में भूखा रहता हूँ। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले ऐसे तो भाई चोरों का बिल्कुल नहीं साथ देवांगे, साफ साफ अल्फाज ना इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। इस दफा सारे इकट्ठे हो गया इन्हें तो महंगाई इस करके जी ना वो हद क्रॉस कर गई है अपनी। खान साहब ने कल फैसला किया कि 33 हलकों से खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे। भाई खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लड़े तो भाई जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस टाइम दिल सीना खोल के खान के साथ खड़ी है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। कल स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 हलकों के इस्तीफे मंजूर किए और इमरान खान ने 33 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। आज जाएंगे लोगों के पास, उनसे जाके बात करेंगे, पूछेंगे क्या कहते हैं खान साहब के इस ऐलान के बारे में, खान साहब के इस फैसले के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कल स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 हलकों के इस्तीफे मंजूर किए, खान साहब ने 33 हलकों से खुद ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, क्या कहेंगे आप? अभी कहने इमरान खान पूरे पाकिस्तान इलेक्शन कला ही लड़े, कला ही लड़े पाकिस्तान दे विच, इंशाल्लाह अल्लाह पाक नु इज्जत देगा। वजह की है तुसी चोर जड़े ने नून ली किए दे, सारे पटवारी जिन्ने भी ने सारे चोर ने, असि ते कहांगे इमरान खान वरगा बंदा ही कोई नहीं। इमरान खान ठीक है, इमरान खान जबरदस्त आदमी है। इमरान खान का जरा फैसला है 33 हलकों में कला इलेक्शन कलाउन दा की कहोगे? 7 हलकों में जीत के दहाता ना उन्हें। हां जी, तो कहंदा मैं नवाजरी दे हलके जो जितांगा, जरदारी दे हलके जितांगा, तो उन्हें जितना है इंशाल्लाह, ठीक है, उन्होंने अल्लाह ने इज्जत देनी है। ये सारे चोर इकट्ठे हुए ने, नहीं तो की समझते हो खान साहब जित जावे? सारे जितेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत ना जितेंगे, अल्लाह के इख्तियार च इज्जत। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਵੋਟ ਕਿਦਾ ਵੇ? ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਏ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੱਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆ। ਪੱਕੇ ਪੀਟੀਆਈ? ਪੱਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ। ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ? ਪੱਕਾ ਖੂਨ ਵੀ ਆਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਜ਼ਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਸਤੇ। ਇਹ ਆਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਮੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਗੋ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 33 ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। इनके पास भी जाते हैं खान साहब। सलाम अलैकुम। मुझे ये बताएं, इमरान खान ने 33 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और खुद ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, क्या कहेंगे? भाईजान कदरदान मेहरबान, मेरा तो पहले बात ये है कि इमरान खान जिंदाबाद। उसने भाईजान केपीके में अस्पतालों को बनाया, उसने बड़े बड़े मुल्कों को अच्छे खासे काम किए और उसने एक मरतबा अमरीका को ऐसा सर भी नीचे नहीं किया। वो गैरतमंद आदमी है, दलेर आदमी है। आई पीटीआई हम पुराना पीटीआई वाला बंदे है। जिस वक्त वो हमारे स्वात में आ गया और उसने जो है ना सवाद का भी एक इस्तीफा मंजूर हुआ है मुराद सईद का, इमरान खान ने वहां से भी इलेक्शन लड़ना है, तो क्या समझते हैं आप, वोट इमरान खान को देंगे? भाईजान सूरत हाल ये पूरा पाकिस्तान के पीके इमरान खान के साथ खड़ा है और हम सब इमरान खान के साथ खड़ा है इंशाल्लाह, ठीक है। आगे जाते हैं जी। सलाम अलैकुम सर। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौमी असम्बली में 35 हलकों के इस्तीफे मंजूर हुए, खान साहब ने 33 हलकों से खुद ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे आप? पहले अमरूद खा रहे, बाद में बात करूंगा। नहीं, आप बताएं क्या कहेंगे खान साहब का ये जो फैसला है 33 हलकों से इलेक्शन लड़ने का, क्या कहेंगे आप इसमें? फैसला भाईजान, बात यह है कि असम्बलियाँ तहलील करें, जनरल इलेक्शन की तरफ आएँ, ठीक है। बेसिक बात यही है हमारी। क्यों नहीं आ रहे इलेक्शन? बस इलेक्शन के लिए कौन, ये पीडीएम वाले, उनको पता है हमारे हुए हैं, हारे हुए हैं, ये इलेक्शन में ये हारे हुए हैं, बस एक ही बात है। इस वजह से नहीं आ रहे? इसी वजह से आ रहे हैं, उनको अपना इलेक्शन में क्यों नहीं आ रहे? पंजाब असम्बली तहलील कर दी है अपनी हुकूमत, उन्होंने इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा तहलील कर दी है, क्यों कर दी है? अगर उसको परेशानी हो गई मैं हारना है तो वो असम्बली तहलील करे, इनको अपना डर पड़ा हुआ है। ये जो 33 बंदों का इन्होंने, पाकिस्तानी लोग वोट किसको देंगे आइंदा जो इलेक्शन? हाँ भाई जान, इमरान खान, पीटीआई इमरान खान जी ने इमरान से भी बढ़कर और जो है ना गुर्बत में इजाफा कर दिया। गरीब के लिए खाने के लिए क्या है? इन लोगों के लिए अगर 1,00,000 रुपए किलो चीनी हो ना तो वो ले सकते हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया जी चाचा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब।
की कहना, क्या कहना चाहोगे आप? अरे हम ये कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी है, मैं कराची में कारोबार कर रहा था मुर्गी का, ठीक है, उधर सिस्टर फोत हो गई थी, जहाज पे आ गया था जनाब, तो उसके बाद फिर कराची जाना नसीब नहीं हुआ, 200-250 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्या करें? हम तो ये चाहते हैं कोई सही हुक्मरान आए। देखो बेनजीर की हुकूमत थी सही थी, नवाज शरीफ की थी उस टाइम सही थी, अब क्या? अभी 2000 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई है, इतनी महंगाई हो गई, अब कहाँ जाएं, कहाँ जाएं भाई, खुदा की कसम करके कह रहा हूँ, दिन में लंगरों में रोटी खाते हैं, रात में भूखा रहता हूँ। ठीक है, दिन में वो जो इमरान खान ने लंगर खाने बनाए, हाँ लंगर पे खाने में अभी खाना खा के आया, किधर वो पंप से आ गए। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो भाई चोरों का बिल्कुल नहीं साथ देवे, साफ साफ अल्फाज, ना इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, बस थोड़ी करप्शन होंदी सी, जरदारी दी हुकूमत आंदी सी थोड़ी करप्शन होंदी सी, इस दफा सारे इकट्ठे हो गए ने, ते महंगाई इस करके जेड़ी ना वो हद क्रॉस कर गई है अपनी। अभी ये फिर इलेक्शन कराए ना खान साहब ने कहा, मैं 33 साल का, वो एक भी सीट निकाल के दिखा दें खान साहब, चैलेंज है, चैलेंज है, पूरी बात है इंशाल्लाह। खान साहब बहुत बेहतर है, भुट्टो की तारीख पड़ी है, देखा नहीं है, लेकिन खान साहब को देखा है, सुना है ना भुट्टो का, कि भुट्टो बहुत अच्छा था, गरीबों का मतलब जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते थे, मतलब जो है ना उस वक्त वो है ना जो उन्होंने रोटी का नारा लगाया था, तो ये खान साहब है जिन्होंने लंगर खाने खोले, सेहत कार्ड की सहूलत, ये वो गरीब बंदे को तो यही चाहिए ना, तो इन्होंने तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है, इन्होंने मस्जिद का बेड़ा गर्क कर दिया है। खान साहब ने कल फैसला किया कि 33 हलकों से खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे, भाई खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, खान से भी लड़े तो भाई जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस टाइम दिल सीना खोल के खान के साथ खड़ी है, ठीक है ना, और इन चोरों को देख लिया है, सब ने देख लिया है, ये आए महंगाई खत्म करने थे और किए अपने केस खत्म है, बस करने आए थे ये अपने केसेस बच केसों ये जो उनको लगी हुई थी ना केस और वो खत्म करने के लिए आए थे, केस खत्म करने आए थे, सही गल कह रहे हैं, ये वाकई केस खत्म करने आए थे, महंगाई खत्म करने नहीं आए हैं, तो आगे अगर इलेक्शन होता है कंटेनर लेके आए हैं, कंटेनर के ऊपर बहुत बड़ी सुर्खी लिखी थी, महंगाई मुकाओ मार्च, किधर है महंगाई मुकाओ मार्च, ठीक है महंगाई तो उससे भी ज्यादा हो गई है, कहाँ है, कहाँ है बोलता है अब फजलू, जो कहते थे कि ये महंगाई, ये महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लॉन्ग मार्च करते थे, अभी कभी बोला है, निकला है कभी, सब चोर इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या समझते हैं, अगर खान साहब को आना चाहिए, बस खान साहब को सौ बात की एक बात है, खान साहब को आना चाहिए, खान साहब, खान साहब किसको आना चाहिए, किसको आना चाहिए, मैं जनाबी सदर को, जनाबी स्पीकर को, जनाबी प्रेसिडेंट को, अल पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिसरों को और अल जमहूरियत डेमोक्रेट लोगों को कहता हूँ कि आटा सस्ता करो, किसको आना चाहिए, आवाम तबाह हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, सब गरीब लोग, इख्तदार में बस जो भी आता है वो हमारा भाई है, लेकिन भाई खान, इमरान खान चाचा क्या कहना चाहेंगे, किसको आना चाहिए, बस ये मेरे अपना अमालों पर फैसले है, जालिम मुकर्रर हो जाएगा, चेस वाले कौम, ठीक है जी।